तुम्हें जो भी नेमत हासिल होती है वो नेमत अल्लाह की तरफ से होती है। अगरचे मौसम थोड़ा गर्म है, आप मोहब्बत फरमाएंगे तो कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगामात आप तक पहुंच सकेंगे। जी खुदा इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हें जो भी नेमत हासिल होती है वो नेमत अल्लाह की तरफ से है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद ये तवज्जो फरमाए, चंद मिनट हैं। अल्लाह फरमा रहे जो भी तुम्हें नेमत हासिल होती है फमिन अल्लाह, वो किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से है। ये जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हो ये एक नेमत है और ये नेमत अता करने वाला वो अल्लाह है। इसलिए कि मेरे पांचवें इमाम का ये फरमान है, ये जो तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत है ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह है कि जिसने तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत को डाल दिया। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें जो भी नेमत हासिल होती है वो किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से। और फिर एक और जगह पे खुदा फरमाता है वइन तुद्दु निअमतल्लाह
और अगर तुम गिनना चाहो कि अल्लाह की नेमतें हैं कितनी, तो खुदा फरमाता है अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार ही नहीं कर सकते। मेरे साथ साथ चलना, चंद मिनट गुफ्तगू है। पहली बात, अल्लाह ने क्या समझाई, जो भी तुम्हें नेमत हासिल होती है किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो खुदा फरमाता है तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। हाँ, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरी नेमतों के मिलने पर तुम शुक्र को बढ़ाते जाओ, मैं नेमतों को बढ़ाता जाऊँ। जिस कदर शुक्र बढ़ता चला जाएगा, नेमतों में भी इजाफा होता चला जाएगा। ये वादा है कुदरत का। हजरत मूसा पर वही हुई। क्या खूबसूरत पैगाम है इस वही के अंदर। ऐ मूसा, मेरी नेमतों के शुक्र का हक अदा करो। इस जुमले पे ज़रा गौर करना। जब आप और मैं किसी नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करें, कहें मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है, तो फिर सोचें तौफीक के शुक्र किसने अदा किया। तो जहन में आती है ये बात कि तौफीक के शुक्र अदा करने वाला भी, तो वो हो गई अल्लाह की नेमत। फिर उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर अगला जो शुक्र है वो भी तौफीक शुक्र तो है अल्लाह की तरफ से, पर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आप और मैं इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये शुक्र अदा करने का सिलसिला कहीं रुक नहीं सकता, कि इसलिए कि हर नेमत पर तौफीक शुक्र भी अदा करने वाला वही अल्लाह है। तो हजरत मूसा ने यही कह दिया, परवरदिगारा हक ये है कि तेरी नेमतों के शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह की तरफ से वही आई, या मूसा अल आन इन शकरतनी हैसो, अल आन शकरतनी हैसो अलिमता अन्न ज़ालिका मिन्नी। ऐ मूसा, तूने मेरी नेमतों के शुक्र का हक अदा कर दिया, इसलिए कि तू जान चुका है तौफीक शुक्र भी तो मेरी नेमत है। देखिए, अगर आप कुरान मजीद और अहदीस का मुताला करें तो कुरान मजीद में एक ही मौजू पर मुख्तलिफ जगह से आपको आयात मिलेंगी। मुख्तलिफ अहदीस को लेंगे और मकतब अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले उलमा ने बड़ी मेहनतें की हैं, अपनी जिंदगियां सर्फ कर डाली हैं और ऐसी ऐसी किताबें लिख डाली हैं कि जिनके अंदर पूरा जिस मौजू को लेना चाहो उसका निचोड़ पेश कर दिया गया है। उसी सिलसिले में उलमा ने शुक्र के सिलसिले में बताया कि शुक्र के चार दर्जे हैं। जिस कदर शुक्र का दर्जा बढ़ता चला जाएगा, उतना ही उस इंसान का अल्लाह के यहाँ कद्र मंजिलत में भी इजाफा होगा। शुक्र का पहला दर्जा क्या है? शुक्र का पहला दर्जा यह है कि यकीन कर लो जितनी भी नेमतें हैं सारी की सारी नेमतें परवरदिगार आलम की तरफ से। तवज्जो फरमा रहे हैं, इस बात का यकीन कर लीजिए, जितनी भी नेमतें मिल रही हैं वो किसकी तरफ से हैं? वो अल्लाह की तरफ से। यही तो कुरान की आयत भी है, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, कि तुम तक जो भी नेमत पहुंचती है वो किसकी तरफ से होती है? वो अल्लाह की तरफ से। सारी नेमतें खुदा अदा करने वाला है। शुक्र का दूसरा दर्जा यह है, जब अल्लाह नेमतें दे ना, फिर उन नेमतों को अल्लाह की राह में खर्च भी करो, अपने लिए भी खर्च करो, अपने बच्चों के लिए भी,
खर्च करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, नेमतों को दूसरों पर बर्तरी का जरिया नहीं समझना। ये बड़ी अजीब सी बात है, बाज दफा नेमतें बढ़ जाएं, इल्म भी एक नेमत है या नहीं जी, रिस्क भी नेमत है या नहीं, इल्म बढ़ जाए तो इंकिसारी बढ़नी चाहिए, तकब्बुर पैदा नहीं होना चाहिए। रिस्क का इजाफा हो जाए तो उसकी वजह से इंसान को अपनी औकात से निकलना नहीं चाहिए, दूसरों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए जी। नेमतों को बर्तरी का जरिया ना समझिए। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरमे की बनी हुई के पत्तों से बनी हुई एक चटाई पे आप तशरीफ फरमा थे, मेरे आका आराम कर रहे थे, बदन से कमीज हटा, चटाई के निशान आपके बदन पे नस्ब हो गए। एक सहाबी की निगाह पड़ गई, आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह कहाँ आप अल्लाह के रसूल, और ये चटाई, और कहाँ कैसर और किसरा जो दुनिया के बादशाह हैं और उनके पास हैं बड़े बड़े महल्लात। गोया ये कहना चाहते थे, या रसूल अल्लाह जब आपका मकाम इतना बुलंद है तो आपके पास भी बड़े बड़े महल्लात होने चाहिए, आपके पास भी उन महल्लात के अंदर बड़े महंगे और कीमती कालीन होने चाहिए, और आपके भी यहाँ पर बहुत सारे खादिम और मुलाजिम होने चाहिए। मुर्रखी ने लिखा है, जब पैगंबर के सहाबी ने इस बात का इजहार किया कि या रसूलल्लाह कहाँ आप और कहाँ कैसर और किसरा, अल्लाह के रसूल अपनी चटाई पे उठ के खड़े हो गए और उस वक्त फरमाए, और क़यामत तक के लिए अपने सहाबी के ज़रिए आने वालों को एक बेहतरीन सबक दिया। फरमाने लगे, क्या तुम ये समझते हो कि उनके लिए वो महल्लात, वो मुलाजिम, वो इतनी बड़ी आसाइशें, वो बर्तरी का ज़रिया हैं, और जो चटाई पे लेटा हुआ हो ये किस्म की महरूमी है? कहा, नहीं खुदा की कसम, अगर तमाम आसाइशें मुसलमानों का मुकद्दर बन जाएं तब भी ये उनके लिए बायस फ़ख्र नहीं बन सकते। पर फरमाना, ये बायस बर्तरी नहीं बन सकती। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है, एक दिन अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते को भेजा, मेरे हबीब से कहिए अगर तू चाहे तो ये पूरा मक्का का सहरा में सोने का बना दो। और फरमाना, सारा सहरा किसका बन जाए? सोने का। अल्लाह के नबी ने हाँ करनी थी और सारा सहरा बन जाना था सोने का। आसमान की तरफ सर उठाया, अब आप ज़रा इस जुमले पे गौर करना, अल्लाह कह रहा है मेरा नबी चाहे तो ये सारे सहरा किसके बन जाएं? सोने के। चटाई पे बैठने वाला अल्लाह का नबी आसमान की तरफ सर उठा के कहने लगे, परवरदिगारा मैं तो ये चाहता हूँ एक दिन सैर हो जाऊँ ताकि तेरी हमद करूँ, अगले दिन भूखा रहूं ताकि तेरी बारगाह में हाथ उठाऊं। तो जो फरमाना, उधर से था ये पूरा सहरा किसका बन जाए? कहा, या अल्लाह नहीं, एक दिन चाहता हूं कि सैर हो के खाना खाऊं और फिर तेरी क्या करूं? हम्द करूं, तेरा शुक्र अदा करूं, सैर हो के खाऊं। और गौर करना, यानी अल्लाह का नबी बता रहा है अगर तुम्हें अल्लाह इतना रिस्क दे दे कि तुम सैर हो जाओ तो तकब्बुर न करना, उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, खुदा की हम्द करना, और या अल्लाह अगला दिन चाहता हूं कि भूखा रहूं, किस लिए? ताकि तेरी बारगाह में
दस्त दुआ बुलंद कर सकूं कि परवरदिगारा मुझे रिज़्क़ अता फरमा। बस इसका मतलब ये हुआ, आप और मेरी ज़िंदगी के अयाम दो तरह के हो सकते हैं, कभी सैर हो के खाओगे, कभी हो सकता है कि फाके पे आ जाओ, कभी हो सकता है वुस्सत रिज़्क ना हो, तंग दस्त हो जाओ। अल्लाह का नबी बता रहा है अगर सैर हो के खाओ तो फिर उसके शुक्र अदा करते हुए नजर आओ, अगर तंग दस्त हो जाओ शिकायत ना करो, उसकी बारगाह में हाथ बुलंद करो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सामीन मोहतरम, अल्लाह नेमतें अता करे, इल्म की नेमत अता हो जाए, रिज़्क़ की नेमत अता हो जाए, किसी शक्ल में भी अल्लाह नेमतें अता करे, किसी भाई को हकीर न समझो, अपने आप को दूसरे से बरतर न समझो। हमारे यहां पर तो क्या होता है, कभी चेक किया करो क्या हमारे अंदर भी कोई अदल व इंसाफ नाम की चीज मौजूद है। मिसाल अर्ज करता हूं, अगर तो ऐसा हो कि अपनी छोटी सी नेकी बहुत बड़ी नजर आती हो और अपने शरीक की बड़ी नेकी छोटी नजर आती हो, अपना बड़ा गुना मामूली नजर आता हो और अपने गैर का मामूली गुना बड़ा नजर आता हो, तो समझ लीजिए इसके अंदर कोई अदल व इंसाफ नामी चीज मौजूद नहीं। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगामात हैं, कोशिश करो दूसरों को अपने से फजीलत दो, दूसरों को अपने से बेहतर समझो। हत्ता कि अगर किसी मरीज की आदत के लिए जाना चाहते हो और आपको पता हो कि उसकी शोहरत अच्छी नहीं है, लेकिन वहां भी हुक्म है कि तुम्हें क्या मालूम कि बातिन में हो सकता है वो तौबा कर चुका हो, करीम ने उसे बख्श दिया। तीसरा शुक्र का दर्जा यह है, जब अल्लाह की नेमतें मिले ना फिर उनमें गौर व फिक्र किया करो, देखा करो कि खुदा की नेमतें किस तरह हैं। देखिए ये बाज लोग हैं, खुदा उन्हें सेहत अता फरमावे, जिनके गुर्दे वाश होते हैं। अब जब तक सेहतमंद है उस वक्त तक अल्लाह की इस नेमत की कदर नहीं, बिनाई हो तो नाबीनापन का क्या पता। इसलिए अल्लाह की एक एक नेमत के बारे में हुक्म गौर व फिक्र किया करो, और जैसे ही अल्लाह की नेमत याद आए फौरन शुक्र सजदा शुक्र अदा किया करो। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं मौला कायनात के एक सजदा शुक्र का तज़किरा करना चाहता हूँ और फिर दो जुमले मसाइब के आपकी ज़हमत को तमाम करूँ, पढ़ने वाले ज़्यादा अहबाब हैं। आपने कई मरतबा सुना कि शब हिजरत जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म पर अली मौला को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया था, और मुहर्रिखीन ने लिखा है कि अली मौला ने इतना कहा था, या रसूलल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच सकती है, और अल्लाह के नबी ने फौरन कहा हाँ या अली मेरी जान बच सकती है। उस वक्त मुहर्रिखीन ने लिखा अली मौला ने फौरन जो काम किया था वो ये था कि फौरन ज़मीन पे अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी रख के कहा परवरदिगारा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अली मौला उठे और उस वक्त मंजर क्या था, अल्लाह के रसूल ने अली मौला को अपने सीने से लगा लिया। शेख अब्बास कुन्नी लिखते हैं कि उस वक्त सैयदुल अंबिया के रुखसारों पर आंसू जारी हो चुके थे, और फिर अगली मंजिल क्या थी, 40 जंगजू तलवारें लेके बाहर खड़े थे इस इंतजार में कि जैसे ही मौका मिले सैयदुल अंबिया पर हमला करें।
اب ظاہر ہے وہاں سے جانا بھی ہے، تو مورخین نے لکھا ہے اللہ کے رسول نے ایک مٹھی بھر تراب اٹھائی اور ان کفار کے چہروں کی طرف اچھال دی، اور دوسری روایت ہائی سب یہ ہے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، وہ جو دیکھ رہے تھے پیغمبر کی مٹی پھینکنے کا اثر تھا، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کے رسول آرام سے گزرے۔ اور ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ شاید اس کی حکمت یہ ہو، چونکہ اس وقت انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس ایک بڑا لشکر ہے، اور اللہ کے رسول نے شاید ایک مٹھی بھر تراب پھینک کے کفار کو بدلا دیا ہو۔ اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو، جب تم ایک مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، جسے سلا کے جا رہا ہوں ابو تراب ہے۔ علی حیدر قرار کو حکم مل گیا، اللہ کے رسول کچھ آیتوں کی تلاوت کی، ایک مٹھی بھر تراب پھینکی، کافروں کو نظر آنا بند ہوا۔ آج سب بڑا خوبصورت پیغام ہے جو علماء نے یہاں بیان کیا ہے، کہا مولا کائنات کا سجدہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں نیکی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے نیکی نہ کر سکیں، اور جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کی اگلی کوشش ہوتی ہے ریاکاری میں چلی جائے تاکہ انہیں نیکی کا اجر نہ مل سکے۔ آؤ امیر کائنات کے سجدہ شکر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ بعض لوگ بعض جگہوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ مسجد آباد ہے تو میری وجہ سے، امام بارگاہ آباد ہے تو میری وجہ سے، یہ جلوس ہیں تو میری وجہ سے، یہ عزاداری ہے تو میری وجہ سے، اپنی تعریفیں کرتے ہیں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ ایسا نہ کہا کرو، ایسا نہ کہا کرو، نہ بتلایا کرو، جو تم نے امام حسین کی عزاداری کے لیے خدمات کی انہیں دل میں ہی رکھ لو، جو مسجد کے لیے کی دل میں رکھ لو، جو امام بارگاہ کے لیے کی دل میں رکھ لو، جو مدرسے کے لیے کی دل میں رکھ لو، کوئی یتیموں کے لیے کی دل میں رکھ دو۔ کیوں؟ امیر کائنات کا سجدہ شکر یہ بتا رہا ہے کہ مولا نے سجدہ شکر جب کیا تھا تو گویا علماء کہتے ہیں مولا یہ کہنا چاہتے تھے اے اللہ اگر تو چاہتا مجھے حکم نہ بھی دیتا تو اور ہزار طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا، تو نے سارے طریقے چھوڑ کے مجھ علی کو نبی کا فدیہ بنایا، اس بات پہ علی تیرا شکر ادا کرتا۔ مولا کا سجدہ شکر کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہی پیغام دے رہا ہے جب بھی کوئی نیک کام کر لو نا فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جی ماں باپ بوڑھے ہوں ان کی خدمت کی ہو، باقی بہن بھائی نہ کرتے ہوں تو پھر چوکوں پہ بیٹھ کے یہ نہ کہا کرو میں کر رہا اور فلاں نہیں کر رہا، نہ، جو کر رہے ہو جیسے ہی کوئی نیک کام کرو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو، کہو پروردگارہ یہ تیرا لطف ہے، مالک اگر تو چاہتا۔ میرے سامعین محترم، آپ جتنے بھی تشریف فرما ہو یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک یقیناً بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، غریبوں کی مدد کی ہوگی، مساجد کی خدمت کی ہوگی، امام بارگاہوں کی خدمت کی ہوگی، عزاداری سید و شہداء کے لیے کام کیا ہوگا، نیازیں بانٹی ہوگی، بڑی بڑی خدمات کیے ہوں گی۔ کبھی تذکرہ نہ کرو، بس اتنا کہو اے اللہ اگر تو چاہتا میرے علاوہ کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، تو نے دوسروں کو چھوڑ کے میرا چناؤ کر لیا، میں تیرا شکر ادا کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں خدا کے لیے کیا یا نہ کیا، اگر یہی دیکھنا چاہتے ہیں تو آؤ اس کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ کوئی بچپنے میں یتیم ہو جائے، یا ماں باپ تو زندہ ہوں غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، آپ کو ترس آ گیا، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے اس کی پرورش شروع کر دی، آپ نے اس کے تعلیمی اخراج سنبھال لیے،
वो बीमार हुआ, आपने इलाज के लिए पैसे दे दिए, आपने उसके खाने का एहतमाम कर दिया, बच्चा पढ़ता भी रहा, बड़ा भी हो रहा था, जवान हो गया, कल आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, वो आपके काम के लिए नहीं आया। आप अगर देखना चाहते हो कि वो सब कुछ अल्लाह के लिए किया था या नहीं किया, और फरमाना आज अगर देखना चाहते हो तो जब वो आपकी कोई खुशी थी, गमी थी, अफराद की ज़रूरत होती है इलाके में, महल्ले से बिस्तर इकट्ठे करने, चारपाइयाँ इकट्ठी करनी है, सामान की ज़रूरत है, आपकी तवक्को थी वो आएगा, मदद करवाएगा, उसने परवाह नहीं की। अब देखना अपने अंदर, अगर अपने अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि इसने तो मेरा एहसास नहीं किया, मैंने इसे खाना खिलाया, मैंने इसे पानी पिलाया, मैंने इसका इलाज किया, अगर अंदर जंग छिड़ जाए तो अपने आप को संभाल लो और अपने आप को समझाओ, नहीं अगर तूने खुदा के लिए किया था तो आज इससे क्यों मांगता है जिसके लिए किया था। लेकिन जो लोग कह देते हैं तू हराम, तू नमक हराम निकला, तूने परवाह नहीं की, इसका मतलब है उन्होंने कहा तो था अल्लाह के लिए लेकिन किया अल्लाह के लिए नहीं। देखिए आज़र तब मिलता है जब सब कुछ किसके लिए किया जाए, अल्लाह के लिए किया जाए। यही बात तो आइम अहले बैत ने हमें समझाई है और यही तालीम दी है कि तुम अल्लाह के लिए नेक अमाल अंजाम दो। आओ देखो आइम अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत को जी, इखलास किस कदर है कि जब जंग खंदक में अली मौला ने ज़रबत चलाई, तो जो चाहता हूँ दो चार मिनट की ड्यूटी है, ज़रबत चलाई ना अल्लाह के रसूल ने मौला कायनात की ज़रबत को तोला था, तोल के वजन करके बताया था ज़रबत अली फी यौमिल खंदक के अफजल मिन इबादत सजर, अली की यह ज़रबत जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। उलमा से पूछिए ना, उनकी इबादतों पे हज़ारों साल लगे, मौला की एक ज़रबत पे एक लहजा लगा, किस लिए? उलमा कहते हैं जिन्नो इंस की इबादत में वो इखलास न था जो अली मौला की उस ज़रबत में इखलास था। जिस कदर इखलास बढ़ता चला जाता है उस अमल की कदर व कीमत भी बढ़ती चली जाती है। ऐ अज़ीज़ो बस इतना अर्ज करता हूँ, जुमला आ गया। जब अमर अब्दुल्लाह की बहन आई है ना, रो रही थी, फिर एक जुमला कहती है, कहती है मैं तुझे हमेशा रोती लेकिन मुझे हौसला मिला, लगता है तेरा कातिल कोई शरीफ इंसान। इसलिए कि उस जमाने का दस्तूर था जो कातिल होता था वो जंगी लिबास ले जाता था, तलवार और ज़र्रा ले जाता था, लिबास मौजूद था। मैं कुर्बान जाऊं, एक वो बहन है जो करबला की जमीन है, 61 हिजरी आशूर का रोज है और आई भी इस हालत में है जब हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे और जब अपने भाई के लाशा को देखा तो आके इतना पूछती है अंत अखी हुसैन, क्या मेरा भाई हुसैन तू है? क्या पहचाना नहीं था? खुशबू इमामत सूंघ रही थी, पहचाना था, इसलिए कि जब भेजा था सर तन पे मौजूद था। जब बहन करीब आई है तो सर तन पे मौजूद नहीं है। अज़ादारों में एक जुमला अर्ज करता हूँ, मेरी भाई बहने, अगर कोई बहन दूर रहती हो और उसे खबर मिल जाए कि मेरा भाई दुनिया से चला गया है, और बहन जब आती है ना और आने में देर लग जाए और भाई को कच गुस्ल कफन मिल चुका हो, आके कफन चेहरे से हटाती है, भाई के चेहरे का प्यार लेती है। शिया मियानी के गयूर मोमिनों, ये बहन जब आई है कफन तो नहीं था, पत्थरों का ढेर था, मसरूफ हाथों से पत्थर हटाने लगे। अजरुकुम अल्लाह, वो मंजर बड़ा अजीब था। जब बहन पूछने लगी
क्या मेरा माँ जाया हुसैन तू है। फिर दुख बढ़ गया और रुख हो गया मदीना की तरफ और इतना कहा या जद सल्ला अलैका मलीकतुस्समा व हाज़ा हुसैन मुरम्मलम बिद्दिमा व मुकत्तल आज़ा। नाना तेरे ऊपर आसमान के मलाइका दुरूद भेजते, आ देखना ये तेरा वही हुसैन है जिसका खून खाक में मिल चुका है, जिसके बदन के टुकड़े हो चुके हैं। ऐ अज़ादारो जो जाहिर बैठे हो ना करबला के जवार, एक गवाही दे दो। उस वक्त मेरी आका जादी ने जब देखा था ना इमाम सज्जाद को तो कहा था बेटा मैं क्या देख रही हूं, तेरे चेहरे पर मौत के आसार। इसलिए कि कोई कायनात में ऐसा मजबूर बेटा जिसके सामने बाबा का बेगौर कफन लाशा पड़ा हो और जो करबला के जाहिर हो गवाही दे देना। उस वक्त रसन बस्ता बीबी ने कहा था बेटा अल्लाह कुछ लोगों को भेजेगा जो एक खूबसूरत तेरे बाबा की कब्र बनाएंगे, उसके ऊपर अलम नस्ब होगा, दूरों नजदीक से लोग आएंगे और जो करबला के जाहिर हो बताओ जो रस्सियों में जकड़ी हुई बीबी जो रसन बस्ता बीबी ने जुमला कहा था अल्लाह ने वो सच साबित कर दिया। लेकिन क्या बयान करूं, वो बच्ची जो अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी थी वो बच्ची अपने बाबा से लिपट गई और कटी हुई रगों पर अपने रुखसार रखे हुए थे। और फिर उधर से एक पैगाम था, पैगाम ये था बेटी मेरे शियों से कहना या शियति मान शरब तुम महजमिन फसगुरूनी, ओ मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करना, और समय तुम बे गरीब है नो शहीद फंदबूनी, और जब भी किसी गरीब का तस्करा सुनना तो मेरे ऊपर गिरिया करना। आखिरी जुमला सुन लो, इमाम हुसैन ने कहा बेटी मेरे शियों से कहना काश तुम करबला में होते देखते मैंने कैसे तिफले सगीर को पानी पिलाया। अल्लाह लानतुल्लाह।